गांगुली को बधाई देते हुए युवराज का छल का दर्द, दादा ने कहा अब कुछ अच्छा करने का समय है। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली अब भारतीय क्रिकेट में नई और बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में से एक और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले गांगुली 23 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन इस बीच उन्हें लगातार बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। खास तौर पर गांगुली की कप्तानी में खेलने वाले साथी खिलाड़ी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए उन्हें शुभकामना संदेश भेज रहे हैं। इसी कड़ी में अब भारत के पूर्व दिग्गज युवराज सिंह ने भी अपने पूर्व कप्तान को बधाई दी है। साथ ही युवराज ने गांगुली के साथ अपना दर्द भी बांटा है। युवी ने कहा, जितना महान व्यक्ति होता है उसका सफर भी उतना ही बड़ा होता है। भारतीय कप्तान से बीसीसीआई अध्यक्ष तक, यह एक बड़ा अवसर है कि प्रशासन में जाकर एक क्रिकेटर लोगों को खिलाड़ियों का नजरिया समझा सके। काश आप तब बीसीसीआई अध्यक्ष होते जब योयो की डिमांड थी। गुड लक दादी। युवराज के इस ट्वीट पर गांगुली ने भी जवाब देते हुए लिखा, धन्यवाद द बेस्ट, आपने भारत के लिए वर्ल्ड कप जीता, अब गेम के लिए कुछ और अच्छा करने का समय है। आप मेरे सुपरस्टार हैं, भगवान हमेशा भला करे। दरअसल साल 2017 में योयो टेस्ट पास करने के बावजूद युवराज सिंह को टीम में नहीं लिया गया था और इसके बाद वे टीम से बाहर ही रहे। उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में भी जगह नहीं दी गई। इसके बाद इसी साल 2019 में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। युवराज ने इस पर दुख जताते हुए कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अच्छे प्रदर्शन के बावजूद मुझे घर में बैठना पड़ेगा। 36 साल की उम्र मैंने योयो टेस्ट की तैयारी की और पास किया, बावजूद इसके मुझे कहा गया कि घरेलू मैच खेलो।